students, welcome to our channel NK classes, and today we will discuss the category, plant category, that is gymnosperm. Okay students, and in our previous lecture we have already studied the types of cryptogams. Okay, it means thallophytes, ठीक है, bryophytes and pteridophytes. Up to this we have studied. Okay, so now let's start with gymnosperm. टू स्टूडेंट्स, जो जिम्नोस्पर्म है वो क्या है, हमारा एक फेनेरोगैम्स है. ठीक है, हमने डिस्कस किया था फेनेरोगैम्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट कैटेगरीज जिनके अंदर क्या होता है, सीड फॉर्मेशन जिनके अंदर होता है. ओके, तो इट मीन्स कि जिम्नोस्पर्म में क्या क्या पाया जाता है, सीड. ठीक है, सीड पाया जाता है. ठीक है, अब सीड इनके अंदर होता है इसलिए इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोफाइटा. ठीक है, तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन ये आएगा कि स्पर्मेटोफाइटा किससे बोलेंगे, दैट इज जिम्नोस्पर्म. इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ये है कि फर्स्ट सीड अपीयर्स, इट मीन्स कि सबसे पहले प्लांट कैटेगरी जिसके अंदर सबसे पहले सीड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ. ओके स्टूडेंट्स, बट जिम्नो मीन्स क्या होता है, नेक्ट, और स्पर्म मीन्स सीड्स. इट मीन्स कि इसके अंदर सीड्स तो थे, इस तरह से सीड्स तो थे, बट वो क्या थे, नेकेड थे, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं थी. जैसे हम लोग एप्पल खाते हैं या जैसे हम लोग गवावा खाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर सीड्स होते हैं और कुछ फ्लैशी पार्ट होता है उसको हम लोग खाते हैं. ठीक है, तो ये जो फ्लैशी पार्ट है ये जिम्नोस्पर्म में नहीं प्रेजेंट होता. ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ इसमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, उनकी कवरिंग नहीं होती. ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जिम्नोस्पर्म के बारे में. प्रिमिटिव सीड बियरिंग प्लांट्स प्रिमिटिव होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे पहले सीड बियरिंग प्लांट्स है, दैट्स वाई प्रिमिटिव तो होंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलो अब जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताती हूँ. देखो, अब इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे ये क्या होते हैं, ये सीड्स हैं, कवरिंग नहीं है. तो हमने, अगर आप लोगों को फ्लावर का स्ट्रक्चर आप जानते हो, तो इस तरह का फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो छोटे छोटे जो इसके अंदर है ये क्या होते हैं, ओव्यूल्स. ठीक है, और ये बाहर की जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, ओवरी. ठीक है, तो उसके बाद जो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स क्या बनाते हैं, सीड. ठीक है, और ओवरी से क्या बनती है, उसकी सीड की कवरिंग, या हम बता क्या बोलते हैं, फ्रूट. तो आप देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर सिर्फ सीड होते, इट मीन्स कि क्या होते हैं, सिर्फ ओव्यूल्स होते हैं. ठीक है, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट बट ओवरी इज एब्सेंट. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी आपने फ्लावर स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं किया है, इसलिए हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, बट फिर भी मैंने कोशिश की है आपको बताने की कि किस तरह से ओव्यूल से फ्रूट बन रहा है और ओव्यूल से सीड बन रहा है. तो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओवरी एब्सेंट होती है. ठीक है, फ्लावर्स और फ्रूट दोनों ही इसमें एब्सेंट होते हैं. ठीक है, क्योंकि फ्लावर होता है बट ओनली ड्रेसेस, अच्छे से स्पेसिफाइड फ्लावर नहीं होता. ठीक है, और ओवरी नहीं होती तो ऑब्वियसली फ्रूट भी नहीं होगा. ठीक है, ये हो गया इसका. अब इसके बारे में कुछ और बातें देखते हैं. देखो, जो हमारा जिम्नोस्पर्म है, ये टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म के बीच की कैटेगरी है. तो हम इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म भी बोल सकते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. एक और है लिविंग फॉसिल्स, इनको स्टूडेंट्स लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है. डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पे. ठीक है, अब एक पूछा जाता है कि जो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं इनके अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है. पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, कि जो मेल प्लांट होता है और जो फीमेल पार्ट जो होता है, मेल पार्ट और जो फीमेल पार्ट है, तो मेल पार्ट से गैमेट्स फीमेल पार्ट में जाएंगे, तो इसे हमने बोला, मतलब मेन पार्ट से पॉलन्स जाएंगे फीमेल पार्ट के पास, तो इसे हमने बोला पॉलिनेशन. तो ये किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू, और विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एनिमोफिली. देखो, एनिमो का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, विंड. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि एनिमोफिली किसे कहा जा सकता है और जिम्नोस्पर्म के अंदर पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाती स्टूडेंट्स. देखो, ये जो होते हैं जिम्नोस्पर्म, इसमें क्या होते हैं, पोली एम्ब्रियोनी. ठीक है, ये कैसे, देखिए आप ये जो प्लांट है, इधर आप देखिए, ये पाइनस का प्लांट है, ये पाइनस है. तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पे ये इसके अंदर देखिए, ये छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में है. ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, पोली एम्ब्रियोनी.
ठीक है, ये कॉमन होता है, तो इसके अंदर भी है ये साइकस है और ये क्या है, पाइनस है, ठीक है, ये दोनों आप देख लीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर ओव्यूल से सीड बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया है। और एक क्वेश्चन और कि जो ये जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं क्या, कॉन्स। देखिए ये कॉन्स है, इधर भी कॉन्स है, ठीक है, तो कॉन्स क्या होते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, एक बात और कि इनकी जो वुड होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो इनको हुडी भी बोल सकते हैं। पेरिनियल होते हैं, ठीक है, मतलब एवरग्रीन्स होते हैं ये, ठीक है, और ये मोस्टली जियोफाइट्स होते हैं, इट मीन्स कि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि एक दो तरह की वुड होती है इनमें, एक मोनोसाइक्लिक और एक पिकनोसाइक्लिक। ठीक है, तो ये दो तरह की वुड होती है, तो ये होती है साइकस में और ये होती है पाइनस में। तो जो पाइनस की वुड होती है वो किसके लिए यूज आती है स्टूडेंट्स, फॉर फर्नीचर पर्पस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये सब आप देख लीजिए। अब देखो, अब जिम्नोस्पर्म के बारे में जो फैक्ट्स है, एक दो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि टॉलेस्ट प्लांट इन जिम्नोस्पर्म, या ये बोले कि टॉलेस्ट प्लांट ऑन अर्थ, तो उसका नेम है सिकोया जिजेंटम और इसी का कॉमन नेम है रेडवुड ट्री। देखो ये आप इसका ये डायग्राम आप देखिए, कितना कितनी ज़्यादा इसकी हाइट होती है, लगभग 370 फीट के अराउंड होती है। और ये देखिए, ये नीचे एक मतलब एक कोई आदमी खड़ा है, उसकी हाइट आप देखिए सिर्फ इतनी है, और उसके बाद प्लांट की आप हाइट देखिए, तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि कितना लंबा प्लांट है। तो ये टॉलेस्ट प्लांट ऑन अर्थ है, ठीक है। और अगर बात करें स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की, तो वो है जामिया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, दोनों को आप देखिए। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, सागो पाम है, साइकस है, पाइनस है और इंग्लिश यू है। तो ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स इसके। चलो अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट और है। देखो ये भी क्या करते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके साथ क्या होती है, फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है, कई बार नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ नेमिंग इनको दिए। सबसे फर्स्ट वन है, दैट इज माइकोराइजा। तो इससे सीधा सा आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि वॉट इज माइकोराइजा, तो ये क्या होता है कि जो रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, बेसिकली जो पाइनस होता है और जो फंजाई होता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो रिलेशनशिप होती है, वो कहलाती है माइकोराइजा। देखो आप यहाँ देखिए, ये प्लांट है, ठीक है, ये इसके रूट्स है, तो इनके रूट्स में ये आप येलो येलो कुछ नोट्स से आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या है, फंजाई है, ठीक है। तो इसको रिलेशनशिप को बोला हमने माइकोराइजा। उसी के बाद एक दूसरी रिलेशनशिप है, दैट इज कोरोलॉइड। कोरोलॉइड किस में देखी जाती है, साइकस में देखी जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये साइकस का प्लांट है और ये इसकी रूट्स है, इसमें ये देखिए इस तरह से ये जो चीज़ है, ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो कोरोलॉइड किसका कॉम्बिनेशन है, रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हुआ। हमने क्या क्या डिस्कस किया जिम्नोस्पर्म में, यही कि ये सबसे फर्स्ट जो है स्पर्मेटोफाइटा है, सबसे पहले सीड इसके अंदर अपीयर हुआ, कुछ इसके अंदर नेक्ट सीड्स होते हैं ये देख लिया, टॉलेस्ट स्मॉलेस्ट हमने देख लिए, कुछ एग्जांपल्स देखे, उसके बाद इसके अंदर कुछ बातें डिस्कस की, जैसे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स नहीं होती, फ्लावर्स फूल प्रेजेंट नहीं होते, और विंड पॉलिनेशन होता है, लिविंग फॉसिल से बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंग होता है, पोली एम्ब्रियोनी होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, ये आप दोबारा देख लीजिए। और उसके बाद माइकोराइजन कोरोलॉइड। तो यहाँ तक जिम्नोस्पर्म कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या है एंजियोस्पर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो एंजियोस्पर्म है ये सबसे एडवांस कैटेगरी है किसकी, हमारे प्लांट किंगडम की। तो जो हमारे प्लांट किंगडम के जो 80% जो प्लांट है वो किस में इंक्लूड होते हैं, एंजियोस्पर्म में। तो ये लार्जेस्ट कैटेगरी है, इसके अंदर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट है, सीधा सा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनेगा। दूसरा जिम्नोस्पर्म में क्या था, नेक्ट सीड थे, मतलब कवरिंग नहीं थी, जबकि एंजियोस्पर्म में क्या है, इनके सीड में क्या है, कवरिंग है। कवरिंग है, इट मीन्स कि क्या प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है। ओवरी प्रेजेंट है तो क्या बना, फ्रूट बना, इट मीन्स कि इसमें फ्रूट प्रेजेंट है और फ्लावर्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि फ्रूट किससे बनेंगे, फ्लावर्स से ही तो बनेंगे। तो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स किस में इंक्लूडेड है, हमारे एंजियोस्पर्म में। ऑब्वियसली वेस्कुलर बंडल्स तो वेल डेवलप्ड होंगे और सबसे एडवांस है, इट मीन्स की हायर कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो सीधे से क्वेश्चन यहाँ से चार पांच क्वेश्चन बन गए, ठीक है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स प्रेजेंट है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, कवर्ड सीड्स है,
ठीक है। और एक चीज हो रही है कि इसके अंदर जो फ्लावर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, किसमें, एंजियोस्पर्म में। और अगर बात करें हम जिम्नोस्पर्म में तो उसमें क्या था स्टूडेंट्स, उसमें था कोन, ठीक है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर और फ्रूट दोनों ही प्रेजेंट थे, जबकि जिम्नोस्पर्म में दोनों ही प्रेजेंट नहीं थे। तो ये आप डिफ्रेंशिएट करके देखिए दोनों को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो अब इसके अंदर क्या है, वेल डेवलप्ड पोलन ग्रेन्स होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि क्या होता है कि ये जो होते हैं पोलन ग्रेन्स वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मेल गैमेट्स की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। और जो ओव्यूल्स जो होते हैं, ओव्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये फीमेल गैमेट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये दोनों आप देखिए, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कौन कौन से होंगे एंजियोस्पर्म में। और एक चीज़ और कि ये मोस्ट यूजफुल प्लांट है किसके लिए, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। देखो सीधी सी बात है, हम लोग फूड खा रहे हैं, सीरियल्स यूज़ कर रहे हैं, पल्सेस यूज़ कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब एंजियोस्पर्म है, ठीक है। हम लोग क्लोथ्स यूज़ ले रहे हैं या जो भी हम लोग चीज़ें यूज़ में ले रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म ज़्यादा यूज़ आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एंजियोस्पर्म के बारे में। अब देखो कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं एंजियोस्पर्म के। सबसे फर्स्ट है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, दैट इज़ वॉल्फिया। देखो आप ये जो इधर शो कर रहा है, ये छोटे 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 छोटे, ये क्या है, वॉल्फिया। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म ये होगा। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें, दैट इज़ यूकेलिप्टस। ये देखिए ये लार्जेस्ट है। बाकी अगर लार्जेस्ट प्लांट की बात करें तो वो क्या है, सिकोया जिजेंटम, दैट इज एन जिम्नोस्पर्म। ओके, स्मॉलेस्ट फ्लावर की बात करें तो वो है वॉल्फिया, मतलब जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है उसी का जो फ्लावर है वो स्मॉलेस्ट होता है, देखो आप, ठीक है। और लार्जेस्ट फ्लावर की बात करें वो है रिफ्लेशिया। देखो ये जो फ्लावर है ये है रिफ्लेशिया फ्लावर है, दैट इज द लार्जेस्ट फ्लावर। ओके स्टूडेंट, तो चलो और अब एंजियोस्पर्म की भी दो कैटेगरी है, वन इज मोनोकोटिलेडन एंड अदर इज डाइकोटिलेडन। देखो डाइकोट मोनोकोट किस तरह से, देखो हमने आपने जो चना है उसको भिगोया है तो कभी उसको ब्रेक किया तो वो दो पार्ट में इस तरह डिवाइड हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। इट मीन्स कि क्या है, ये डाइकोट्स है। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जैसे अगर हम लोग बात करें कोन की बात करें, ठीक है, गेहूं की बात करें, तो वो क्या होते हैं मोनोकोट्स, उनका जो सीड है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। बट अगर बात करें हम लोग पल्सेस की तो उनका सीड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब सीड की क्या होती है, टू लीव्स होती है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं क्या मोनोकोट है और क्या डाइकोट है। तो उसी के बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपको मेमोराइज करना है सीधा सा। देखो आप देख लीजिए, देख सबसे पहले डाइकोट देखिए, पल्सेस होगा दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नट्स को भी कर सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसके अलावा एप्पल, बनियान, बिटिगोर, ब्रिंजल, मैंगो, नीम, पपाया, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये कुछ डाइकोट्स हैं। बात करें मोनोकोट्स की तो एक है कोकोनट, ग्रासेस में बम्बू जो है वो एक ग्रास है स्टूडेंट्स, ठीक है। पाम ट्री है, लिलीज है, ऑर्किड्स है, बनाना है, शुगर कैन है, सीरियल्स है, ये सारे हमारे क्या है स्टूडेंट्स, मोनोकॉट्स है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी कंप्लीट होता है। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे जो फ्लावर है उसके डिफरेंट पार्ट्स और किस तरह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होगा और पॉलिनेशन कैसे होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू।